एक शाम सुहानी गोदुली में दो दोस्तों ने एक रोमांचक उत्सव की शुरुआत की। उन्होंने निर्घंट घोर घर में जाने का फैसला किया था, जो भूतों की कहानियों के कारण प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि जो भी इस घर में प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं लौट पाता, अदृश्य की चपेट में पकड़ा जाता था। उत्सुकता और आकर्षण के साथ दोस्त भूतिया घर की ओर मुड़ गए। उनके दिल तेज धड़कने लगे, डर और जिज्ञासा से भरे हुए। जब वे घर के प्रवेश द्वार की ओर आ रहे थे तो उन्हें एक साया दिखाई देने लगा। यह साया दीवार से दीवार घूमता रहा, एक पल एक दीवार में और दूसरे पल किसी अन्य दीवार में। उनके दिल तेज धड़कने लगे, लेकिन वे घर के अंदर की ओर आगे बढ़े। उन्हें घर की आकर्षक वास्तुकला और सुंदरता ने मोह लिया, लेकिन दीवारों में हल्की आवाजें सुनाई दी जो बेचैनी की भावना को जगाने लगी। दोस्त ध्यान से सुन रहे थे, रहस्यमय आवाजों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रात ने दस्तक दी जब वे एक दिखावटी भोजन पर बैठे। जैसे ही वे एक जोरदार लगाम खाया, उनकी परस्पर अभिप्रेत चेहरे में बदल गई। घबराहट उनको लबालब करती हुई उन्होंने दीवारों को खोला और देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोस्तों ने दौड़ना शुरू किया और पीछे से आते डराए हुए आवाजें सुनाई दी। उन्हें डरपोकता का सामना हुआ जब वे देखा कि आगे एक विशालकाय भूत खड़ा है। वह दोस्तों को पकड़ने लगा और अपने काले हाथों से उन्हें नुकसान पहुंचाने लगा। अंत में उनका सामरिक संघर्ष समाप्त हो गया, लेकिन अंतिम क्षणों में वे एक दूसरे को गले लगाए रहे, खुशी से मुस्कान देते रहे। उन्होंने एक दूसरे को खतरे से बचाने का गर्व महसूस किया और यह कहानी उनकी रोचक यात्राओं का हिस्सा बन गई।